टाटा 712 BA6 फेज 2 रिव्यू वीडियो। और कुछ आपको स्पेस अब पहले से थोड़ा ज्यादा देख, वरना आपके फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। पहले वाले व्हीकल में नहीं देखने को मिलता था, प्रॉब्लम आते थे टकराने से टूट जाता था, ताकि आपका व्हीकल का माइलेज, इंजन का जो भी पावर है सही से निकल के आ पाए। इसमें फिनिश देखने को मिले, स्टीयरिंग व्हील काफी सुंदर कर दिया गया पहले वाले 712 और 710 610 से, और बटन्स मिल जाते हैं ताकि आप अपना जो भी म्यूजिक सिस्टम है, कॉल है, सामान वगैरह होल्ड करने के लिए स्पेस मिल जाती है। इंजन की बात करें तो इंजन आप क्लच मिलता आता है और गियर बॉक्स में। व्हीकल की GVW की बात करें तो, और वारंटी की बात करें तो वारंटी हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोज ट्रक पे। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं, जिसका टॉपिक है टाटा 712 BA6 फेज 2 रिव्यू वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है न्यू BA6 फेज 2 में देखने को। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू आपको पुराने वाले व्हीकल से ही मिलता जुलता देखने को मिलता है। यहाँ मिडिल में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, ऊपर में लिखा हुआ क्रोम फिनिश में टाटा मिल जाता है, और यहाँ आपको रेडिएटर ग्रिल मिलता है, और उसके जस्ट नीचे आपको टोचन पिन मिल जाता है, और उसके ऊपर आपका नंबर प्लेट अटैच होगा, और हैलोजन हेडलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं हैलोजन, और विंडशील्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको, और दो वाइपर यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है ताकि आप इससे चढ़ के अपना शीशा को क्लीन कर सकें, विंडशील्ड को क्लीन कर सकें। और यहाँ पर आपको मेटल के बम्पर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको दो रिफ्लेक्टर मिलते हैं सेफ्टी के तौर पे, और यहाँ पे आपको फॉगलाइट अटैच करने का स्पेस मिल जाता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉगलाइट को अटैच कर सकते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं साइड प्रोफाइल कैसा कुछ देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल, यहाँ पर आपको FE का स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पर दो मिरर मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक गेट खोलने का मिल जाता है, और यहाँ पे फुटस्टेप मिलता है ताकि आप ऊपर आराम से चढ़ सकें। और यहाँ पे आपको टायर 16 इंच का देखने को मिलता है, और ब्रेक्स आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं जो कि एयर पे वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कूलेंट टैंक मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग ऑयल का टैंक मिल जाता है, यहाँ से आप अपना स्टीयरिंग ऑयल और कूलेंट मैनेज कर सकते हैं। और कुछ आपको स्पेस अब पहले से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ से आप अपना इंजन को भी देख सकते हैं, इंजन में कुछ तरह का प्रॉब्लम आए, लीकेज आए, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दो डीजल फिल्टर मिल जाते हैं, और प्लीज़ टाइम टू टाइम इस डीजल फिल्टर को चेंज कराएं, वरना आपकी फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे आपको डेफ टैंक मिलता है 18 लीटर का, और यहाँ पे आपको एक गार्ड भी मिल जाते हैं अब देखने को, जो कि सेफ्टी के तौर पर डाला गया पहले वाले व्हीकल में, ये चीज़ नहीं था, तो डोजिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आते थे, टकराने से टूट जाता था। और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा डीजल टैंक अब देखने को मिलता है फाइबर का, पहले में मेटेलिक मिलता था, जो कि 120 लीटर का है, और इस व्हीकल में माइलेज आपको 6 से लेके 12 तक का देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको लोड बॉडी देखने को मिलता है, यहाँ पे हुक्स भी मिल जाते हैं ताकि अपने जो भी कार्गोज है उसको सही सलामत जगह तक पहुँचा पाएँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी गार्ड आपको फाइबर का देखने को मिलता है, पहले वाले में मेटेलिक आता था, फाइबर में कर दिया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और कुछ ऐसा आपको टायर का व्यू देखने को मिलता है, और देख सकते हैं इसका लोड बॉडी काफ़ी स्ट्रांग बनाया गया है। और चलिए फ्रेंड आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं, पीछे में क्या कुछ देखने को मिलता है। देख सकते हैं इसका पीछे का व्यू, पीछे में आपको मिडिल में पंच किया और टाटा का लोगो मिल जाता है, दो सेफ्टी स्ट्रिप्स मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, और एक नीचे में मिलता है, और आपको इसमें बैक सेंसर 4 देखने को मिलते हैं, और जो टेल लाइट है वो फुल्ली LED देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ पर एक बम्पर मिलता है मेटल का, येल्लो और वाइट के कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पर आपको स्टेपनी टायर देखने को मिलता है, उसका मैकेनिज़म कुछ यहाँ से आप ऑपरेट कर पाएंगे। और चलिए इस साइड का प्रोफाइल दिखाते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। देख सकते हैं इसका इस साइड का प्रोफाइल सिमिलर उस साइड के जैसा ही है, यहाँ पे भी कुछ आपको प्लास्टिक के बॉडी गार्ड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको गार्ड्स मिल जाते हैं ताकि कोई टकराए तो अंदर ना जाए, बाहर ही रह पाए। और यहाँ पर आपको एयर टैंक्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलता है, 12 वोल्ट में ये व्हीकल आता है, और जो एयर फिल्टर है कुछ यहाँ देखने को मिलता है, और एयर फिल्टर का वेंट आपको यहाँ से मिलेगा इनटेक सिस्टम के लिए, यहाँ से आपका कनेक्ट होके यहाँ तक जाएगा। और प्लीज़ इस एयर फिल्टर को क्लीन ना करें, टाइम टू टाइम इसको चेंज करें, टाटा मोटर सीधे मना करते हैं कि इस एयर फिल्टर को क्लीन नहीं करना है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान जरूर दें, ताकि आपका व्हीकल का माइलेज और इंजन का जो भी पावर है सही से निकल के आ पाए। और यहाँ पे आपको टिल्ट केबिन मिल जाता है, यहाँ से आप इसको
लूज़ करके आप केबिन को टिल्ट करके आप अपना इंजन को चेकआउट कर सकते हैं कि इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे भी फुटस्टेप कुछ उसी तरह का देखने को मिलता है। और फ्रेंड चलिए इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ आपको देखने को मिलेगा इस न्यू VS6 फेज 2 में, चलिए दिखाते हैं। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको VS6 फेज 2 में। आपको जो फ्यूल मीटर है उसके साथ रेड के साथ येलो भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, RPM मीटर एनालॉग मिल जाता है, टेम्परेचर मीटर भी एनालॉग देखने को मिलता है। और आपको डिजिटल डिस्प्ले में यहाँ पे आपको किलोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माइलेज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको न्यूट्रल और गियर का सिंबल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा। इस साइड में आप ट्रिप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको डेफ का मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको बटन्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से अपना जो भी मोड है उसको चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइट का बटन मिल जाता है कुछ ऐसा देखने को, ताकि आप अपने हेडलाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके, रोड के हिसाब से एडजस्ट कर सके। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने को मिलता है, मिडिल में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, इस साइड में आपको हॉर्न का बटन मिल जाता है और साइड में आपको पियानो ब्लैक में फिनिश देखने को मिलता है। और बटन्स मिल जाते हैं ताकि आप अपना जो भी म्यूजिक सिस्टम है, कॉल है, सारा यहीं से आप कंट्रोल कर पाएँ, रिसीव कर पाएँ। और यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं जो कि हेडलाइट के लिए है, और इस साइड में आपको वाइपर के लिए बटन्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो स्विच मिलते हैं कवर लगे हुए हैं, एक आपका रिजनरेशन स्टार्ट करने के लिए, एक स्टॉप करने के लिए। और यहाँ पे आपको लाइट मोड और हेवी मोड का स्विच देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाते हैं और ऊपर में आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेल्प का बटन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ब्लोवर के वेंट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको ब्लोवर ऑपरेट करने के लिए नॉब मिल जाते हैं। और आपको म्यूजिक सिस्टम कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि अब ब्लूटूथ में भी आता है, मतलब आप ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हैं। पहले वाले जितने व्हीकल थे उसमें ब्लूटूथ वाला नहीं था फंक्शन, इसमें ब्लूटूथ वाला भी डाला गया है। और यहाँ पे आप USB भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए मिल जाता है, मतलब वही सिगरेट लाइटर आपका। और यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह होल्ड करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको वेंट मिल जाता है ब्लोवर का। और यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है, यहाँ पे आप कुछ अपना सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा दिया गया, लेग स्पेस इस बार इस व्हीकल में ज़्यादा दे दिया गया है, आप आराम से इस व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं, लेग स्पेस बहुत दिया। देखिए अब मेरा पैर मोड़ने के बाद भी आपका इतना बच जाता है स्पेस, मतलब लेग स्पेस काफ़ी सही देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। प्लीज़ जितने भी ड्राइवर भाई मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ सीट बेल्ट लगा के चले ताकि आप सेफ रहें, आप सेफ रहेंगे तो सब कोई सेफ रहेगा, तो प्लीज़ सीट बेल्ट यूज़ करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको कुछ सामान वगैरह होल्ड करने के लिए स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको सन वाइज़र मिल जाता है और इसमें आप कुछ अपना छोटा मोटा पेपर भी होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED लाइट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक विंडो मिलता है ताकि अपना कार्गोस को यहाँ से आप मॉनिटर कर पाएँ। और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाते हैं, अपना बोतल कुछ स्नैक्स यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कप होल्डर भी इस व्हीकल में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे आपको कुशनिंग भी मिल जाता है ताकि आप अपना कुछ भी हाथ वगैरह होल्ड करें तो सही से होल्ड हो आपका। और आप देख सकते हैं इसका गियर लिबर, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको सनवाइजर देखने के लिए मिल जाते हैं। और फ्रेंड इस व्हीकल की इंजन की बात करें तो इंजन आपको टाटा का 4SPCR इनलाइन 4 2656 cc का देखने को मिल जाता है। और पावर की बात करें तो पावर आपको 125 PS की मिल जाती है 1800 RPM पे। और टॉर्क की बात करें तो 360 Nm का मिल जाता है आपको 1400 से 1800 RPM पे। और फ्रेंड चलिए इसका इंजन का साउंड आपको सुनाते हैं, साउंड कैसा देखने को मिलता है। और फ्रेंड इस व्हीकल का आपने इंजन का साउंड तो सुन ही लिया है। और इस व्हीकल में क्लच आपको 310 mm का देखने को मिलता है और गियर बॉक्स 550 देखने को मिल जाता है। इस व्हीकल की GBW की बात करें तो 7490 kg का देखने को मिल जाता है। और वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की देखने को मिल जाती है। तो इसी टॉपिक के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, मोटिवेशन मुझे मिलती है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।